वो कहावत है ना, तू कौन मैं खामखा। यही हाल है भारतीयों का, जहां भी हिंदू नजर आया उसे भारतीय करार दे दिया। ऋषि सुनाक के बरतानवी वजीर आजम बनने पर भारतीय जहां लुटियां डालते नजर आ रहे हैं। जली जली जली, मैं कहता हूं बिल्कुल जली, और जलनी भी चाहिए। ऋषि सुनाक को जहां भारतीय शहरी करार दिया जा रहा है, वहीं अशोक सवाइन उनका फैमिली ट्री सामने ले आए। ट्विटर पर लिखा कि ऋषि सुनाक के दादा दादी का ताल्लुक गुजरांवाला पाकिस्तान से था। ऋषि सुनाक के वालदैन का ताल्लुक नैरोबी कीनिया से था। ऋषि सुनाक साउथहैम्पटन बर्तानिया में पैदा हुए। ऋषि सुनाक के बर्तानिया के वजीर आजम बनने पर कौम परस्त हिंदुस्तानी खुश हैं, जिनकी अहलिया ने बर्तानिया में टैक्स भी अदा नहीं किया। इसमें मजहब लाने की क्या बात है, ये बहुत छोटी बात दिखाता है, छोटी सोच दिखाता है। वही कौम परस्त सोनिया गांधी के हिंदुस्तान की वजीर आजम बनने के खिलाफ एक तरह की खाना जंगी का मुतालबा कर रहे हैं, हालांकि उनके शौहर ने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। अगर एक हिंदू बर्तानिया का वजीर आजम बन सकता है, तो मुसलमान या ईसाई या दलित हिंदुस्तान का वजीर आजम क्यों नहीं बन सकता। जब वहाँ के मंत्रियों ने अपने जाहिल पने का सबूत दिया है, और वहाँ के एक मंत्री ने पाकिस्तान की जीत को इस्लाम की जीत बता दिया। नमस्कार दोस्तों, दिवाली में इंडिया को दो दो बड़े गिफ्ट मिले हैं। एक तो T20 वर्ल्ड कप में अपने पहले ही मैच में इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह हरा दिया था, और दूसरी खुशखबरी ब्रिटेन से आई है, जहां पर ऋषि सुनाक इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब पड़ोसियों के पेट में दर्द होना तो था ही, क्योंकि एक तो पाकिस्तान मैच हार गया और दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू बन गया है। तो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि ऋषि सुनाक का ताल्लुक तो पाकिस्तान के गुजरांवाला से है, और पता ही नहीं किस किस के ट्वीट दिखा रहे हैं। लगता है पाकिस्तान में पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं है, ये सब सिर्फ फेसबुक या ट्विटर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं। हद तो तब हो गई कि जब पाकिस्तान मीडिया अपनी जनता को पागल बनाती रहती है। कह रहे हैं कि इंडिया में भी दूसरे धर्म का कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, और बीच में सोनिया गांधी को भी घुसेड़ दिया है। अब इन मूर्खों को कौन बताए कि APJ कलाम, मनमोहन सिंह दूसरे धर्म के ही थे। ये वही पाकिस्तान है जिनके मिनिस्टर इंडिया से एक क्रिकेट मैच जीतने पर ये कहते हैं कि ये पूरे इस्लाम की जीत है। आपने कभी गौर से पाकिस्तान के न्यूज़पेपर या मीडिया देखा होगा, तो अगर पाकिस्तान में एक्सीडेंट हो जाए या दूसरी घटना हो जाए तो नंबर भी हिंदू बोलकर बताते हैं। वैसे पाकिस्तान में हिंदू अब ना के बराबर ही बचे हैं। अब ऋषि सुनाक को हिंदू नहीं तो दूसरे धर्म का बोलें क्या, जो है वो है। पाकिस्तान से कोई पॉजिटिव खबर तो आती नहीं है, इंडिया से लगातार पॉजिटिव खबर आ रही है, तो पेट पर मरोड़ उठ रहे हैं। ये बेसिकली एशियन नजात है, इनका अकीदा जो है हिंदू अकीदा है, इनके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, इनका दादा जो है वो गुजरांवाला पाकिस्तान से ताल्लुक रखता था। तो ये बहुत सारी आंखें इनको घूर रही हैं, बहुत सारे लोग जो टोरी पार्टी के हैं वो, और जो दूसरी पार्टीज के वो भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमारे पास एक ऐसा आदमी नहीं है जो कि ब्रिटिश हो, जिसकी जड़ें कहीं और से ना आई हो। सो इनको बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। अच्छा, आपने यहाँ के भारतीय निजात होने की बात की है, जहाँ बहुत सारी निगाहें हैं, वहाँ पाकिस्तान में भी बहुत सारे सवाल जो है वो जहनों में मंडला रहे हैं, खासतौर पर ये सवाल कि चूंकि इनका भारत से बहुत गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान जो है वो ऋषि सुनाक को क्यों ओन नहीं कर रहा, जबकि भारत ओन कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अब जो ऋषि सुनाक है, इज अ हिंदू ऑब्वियसली, 42 years, 42 साल उनकी उम्र है। इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, दे वर द माइग्रेटेड फ्रॉम गुजरांवाला टू कीनिया नैरोबी। अच्छा, अब हैं तो वो उनकी बर्थ प्लेस जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स की थी वो गुजरांवाला, जो कि मेरा होम टाउन है, और पंजाब के दिल समझे लाहौर के बिल्कुल साथ है। और अब जारी बात है कि ये लेकिन उसको इंडिया ओन कर रहा है बिकॉज ही इज हिंदू, लेकिन व्हाई पाकिस्तान डज नॉट ओन हिम, ये पाकिस्तान उसको ओन क्यों नहीं कर रहा। और वो कोई डायरेक्ट इंडिया से तो नहीं गए, इंडियन हेरिटेज से तो उनका उस तरह, इंडिया से जो इंडियन मेनलैंड है वहां से तो नहीं गए, वो तो पाकिस्तान से उस वक्त गए ना, जो अभी की जो बाउंड्रीज अगर बनती हैं। तो मेरे जहन में ये सवाल आता है कि ये पाकिस्तान इसको क्यों ओन नहीं करता। ठीक है जी, शहबाज शरीफ जो हैं वो बेसिकली तो इंडिया से आए हुए हैं, क्या पाकिस्तान ऋषि सुनाक को इसलिए ओन नहीं करता कि वो हिंदू है। ये तो कोई क्राइटेरिया ना हुआ कि अगर आप एक बंदा हिंदू है या सिख है या कोई और क्रिश्चियन है, लेकिन वो हो आपके ही टेरिटरी से या हो आपके ही इलाके से, और आप उसको ओन ना करें। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी एस्टोनिशिंग इन फैक्ट। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान में, मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉन्टैक्ट किया
ठीक है जी, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कांटेक्ट किया और मुझे पूछा कि जी इनका गुजरांवाला में ताल्लुक, तो मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई सारे प्रोसेस में समझने में। मैंने कहा जी पहली बात तो ये है कि जारी बात है हिंदूज जो हैं वो जो गुजरांवाला में थे वो चले गए, बहुत पहले कन्वर्ट हो गए, जकियों को जारी बात है वो कन्वर्ट कर लिया गया, कहीं हो गए कहीं खौफ से हुए होंगे, कहीं वैसे हो गए होंगे, और बाकी लोग जो हैं अब अगर मुझे गुजरांवाला में उनकी फैमिली को ढूंढना पड़े तो आई कांट फाइंड आउट, और उनके जो कोई लगते लगाने वाले होंगे क्योंकि वहाँ पे हिंदूज की इतनी बड़ी तादाद मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे होगी, शायद होगी कुछ फैमिलीज लेकिन ज़्यादातर कराची में और इन एरियाज में है, छोटे एरियाज में नहीं है। और दूसरा मंदिर वगैरह भी जो है हमने उनके जो है ख़त्म कर दिए हैं या उनको कन्वर्ट कर लिया है। रिसेंटली मैं देख रहा था कुमार साहब जो है पाकिस्तानी पार्लियामेंट में खड़े होकर बता रहे थे कि जो सारे मंदिर हैं वो उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, थोड़े से रह गए हैं, नाम बस रह गए हैं और इस तरह की चीज़ें। अब ये है कि बेसिकली कहा जाता है कि जो सुनाक्स हैं ये पंजाबी खत्री फैमिली है गुजरांवाला से, ठीक है जी। अब ये इमेजिन आप करें कि पाकिस्तान को यहाँ पर उस तरह उतनी फिक्र नहीं है उनकी, पाकिस्तान इज़ नॉट सेलिब्रेटिंग, ठीक है जी, हम ये तो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मोहम्मद सादिक लंदन का मेयर है, बट हम ये सेलिब्रेट नहीं कर रहे कि ऋषि सोनक जो है इज फ्रॉम गुजरांवाला पाकिस्तान। वो उसका मजहब क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी जात पात क्या है, वो तो एक अदर चीज है, ठीक है। ऋषि सोनक इटसेल्फ आई थिंक ही वाज बोर्न इन 1980, लेकिन उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनको तो भी बात करनी चाहिए कि ये पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। सो देखिए इंडिया जो है वो बिकॉज ही इज हिंदू इंडिया इज सेलिब्रेटिंग देम, बट टेक्निकली तो वो पाकिस्तान से थे, लेकिन पाकिस्तान इज नॉट सेलिब्रेटिंग बिकॉज ही इज हिंदू। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, अगर ये कोई मुसलमान होता तो हमने अपने टीवी पर शोर मचा देना था कि देखो जी है तो पाकिस्तानी है लेकिन है मुसलमान है, तो हमने उसको आई थिंक दिस इज अ हिपोक्रेसी एट आर एंड एज वेल। ये मैं समझता हूँ कि ये दिस इज व्हाट आई डिडंट लाइक इट, इनफैक्ट ये होना नहीं चाहिए था। हमें जो चीज़ है वो वी हैव टू एक्सेप्ट एंड ओन पीपल दोज हु कम फ्रॉम आर कल्चर फ्रॉम आर वैल्यूज फ्रॉम आर सिस्टम फ्रॉम आर टेरिटरी। आज हम अगर ये नहीं करेंगे और हम ये कहेंगे जी कि इंग्लैंड का जो सबसे हाईएस्ट ऑफिस है उसमें एक बंदा चला गया, ऋषि सोनक पाकिस्तान को ऑन करे या ना करे या इंडिया को ऑन करे या ना करे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। द स्टोरी इज कि बंदा जो है उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो पाकिस्तान से हैं एंड दे आर वेरी मच ही इज अ सक्सेसफुल पर्सन, और पाकिस्तान की ये जॉब है कि आप अपने इस तरह के टैलेंट को जो है वो ऑन करते हैं। और जब आप टैलेंट आप मोहम्मद सादिक जो है उसको तो हम बहुत चुक चुक रख रहे हैं, ऐसी कहते हैं जनाब वो देखो ना जनाब के क्या उसे बोलते हैं इज अ मुसलमान ही इज वो लंदन के मेयर बन गए, और यहाँ से इमरान खान जो थे वो जाते थे लंदन और जाके उनकी कंपेन करते थे, इमरान खान लंदन जाके उनकी कंपेन करते थे और लोगों को मोबिलाइज करते थे कि मेरा जो उनका जो इमरान खान का जो फॉर्मर ब्रदर इन लॉ है उसके लिए कंपेन करते थे कि तुम जो है वो जो जमैमा खान जो इमरान खान साहब की जो सबका वाइफ हैं उनके भाई के लिए आफ्टर डिवोर्स जाके कंपेन करते थे, बट वो एक मुसलमान के लिए कंपेन नहीं करते थे, वो एक अलग स्टोरी है, नो प्रॉब्लम, वो उनका एक जाती मसला है ऑल दैट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर मुसलमान मेयर बन जाए पाकिस्तान से उसका ताल्लुक हो जो कि पाकिस्तान आया भी नहीं, ठीक है जी, हम उसको ऑन नहीं करते, लेकिन अगर हिंदू जो है वो एक वहाँ पे जाके बन जाए वज़ीर आज़म बन गया है और हम जो है वो उसको ऑन नहीं कर रहे। ऋषि सोनक जो हैं जो कि यूनाइटेड किंगडम के नए प्राइम मिनिस्टर है, और मैं देख रहा था कि उनकी जो वेल्थ है वो तकरीबन $810 मिलियन है, $810 मिलियन, और कहा जाता है कि जो किंग चार्ल्स III हैं उनकी जो पर्सनल फॉर्चून है वो तकरीबन $500 मिलियन है। सो ही इज रिचर देन किंग चार्ल्स, दिस इज व्हाट द फोर्ब्स मैगजीन ने ये बात की है। तो अब इमेजिन कर सकते हैं कि जो सोनक है ही इज नॉट अ पुअर गाय, उसने एवी नहीं वहाँ पे जो है वो अपने पैर जमाया। खैर एनी ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ द रीजंस, बट इज कॉम्पिटेंस इन सो मेनी अदर थिंग्स। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है और वो ये है कि